हाँ मैं पायलट जैसा दिख रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक अ पायलट टुडे और आई एम गोइंग टू जम्मू टुडे टू मीट माई पेरेंट्स बिकॉज 51 वीडियोज निकाल चुका हूँ मैंने कहा था 50 व्लॉग्स के बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जम्मू जाऊंगा और अब बहुत खुशी हो रही है मुझे बिकॉज आई सेड इट आई मेंट इट आई एम हियर टू रिप्रेजेंट इट नाउ और अगला स्टॉप मूर्थल होगा जो कि बहुत एक डेढ़ घंटे दूर तो होगा ही। उसके बाद हम वहाँ जाके पराठे खाएंगे उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत भूख भी लग रही है बट सफर दूर है पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है हम वहाँ पे आने वाले हैं और एलेक्स से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा जो डॉग है मैं उसको रॉक्सी को लाना चाहता था वो अभी हो नहीं पाया फ्यूचर में प्रॉपर्ली हो बट अभी उससे मिलके खुशी होगी मतलब देखते हैं आपको भी मिलाऊंगा उससे। टिल देन मूर्थल से पहले बाय 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 मूर्थल में मिलते हैं बाय। सो फाइनली हम यहाँ गुलचन ढाबे के बाहर पहुंच गए हैं मूर्थल में। बहुत लंबा सफर था मैं तो आधे रास्ते आंखें बंद हो रही थी खुल रही थी मुझे समझ नहीं आया हम कैसे पहुंच गए। इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी और यहाँ पे वंश देख रहा है मुझे अपनी चील जैसी नज़रों से। सैनिटाइजर हाथ पूरे साफ हो गए हैं पराठे पे भाई। खाना खा लिया डकार भी मार लिया सब कुछ हो गया। 15 मिनट बाद चेतन आया जब तक हमारा खाना खत्म हो गया था तो वो खाना अपना पूरा कर रहा है मैं वापस सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद तो नहीं आ रही बट आलू के पराठों के बाद किसको नींद नहीं आ सकती है। सबसे पहले सोया था 10 घंटे बचे थे जब मैं उठा 9 घंटे थे मैंने पराठे खाए मैं फिर सोया अगली चीज है 4:30 घंटे बचे हैं अभी मेरी नींद खुल गई एक ऊंची सी आवाज से। अभी हम अंबाला में है तो मोस्ट प्रॉब्ली रफेल जेट्स की आवाज होगी बहुत तेज आवाज थी मजा आया सुन के रिफ्रेश हो गया मैं और अब ऑलमोस्ट 4:30 घंटे बचे हैं हमें पहुंचने के लिए। मेरे मॉम डैड से बात हो गई वो खुश हो गए काफी घर पे रोगन जोश भी बन रहा है एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। अब मैं प्रॉब्ली दोबारा सो जाऊंगा और 1 घंटे पहले उठूंगा दैट विल बी अमेजिंग। काफ़ी बेहतरीन प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे फॉर सम रीज़न पता नहीं काफ़ी जोश के साथ ये लोग कोई नारे लगा रहे हैं जो हम समझ नहीं पाए बट हमें एहसास हो गया कि मतलब पैशन है इनकी बातों में बट इतना पैशन क्यों है आई डोंट नो प्रॉपर्ली। अगर मैं दुर्राठी होता तो मैं डेल्व करता ज़्यादा डीप बट मैं नहीं करूँगा मैं सो जाऊँगा। एक और प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं बट अगेन दुर्राठी तो हो नहीं तो हम वापस हो जाएंगे। यार यहाँ पे टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ पे प्लेन में तो हो रहे हैं यहाँ पे टेस्ट भी नहीं हो रहे रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। तो अभी हम टोल प्लाजा लखनपुर में रुके हुए हैं और यहाँ पे बड़ी अजीब सी सिचुएशन है लोग लाइनों में लगे हुए हैं पास लेने के लिए और उसके लिए उनको नेगेटिव रिपोर्ट देनी है अपनी कोविड नेगेटिव होने की और दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई टेस्टिंग सेंटर्स तो है नहीं। अब जब मैं प्लेन से जाता हूँ तो वहाँ पे तो ऐसे कोई टेस्ट होते नहीं है। अब लोग गाड़ियों में आ रहे हैं तो उनको नेगेटिव टेस्ट दिखाने हैं। अब इसका लॉजिक क्या मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब अगर मेरे पास प्लेन की टिकट लेने के पैसे हैं तो आई डोंट नीड टू एक्चुअली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट माय वेल बीइंग और माय सिक बीइंग व्हाटएवर बट अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत है। लॉजिक नहीं समझ आया मुझको आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस बिकॉज मैं प्लेन में आया था 3 महीने पहले तब ज़्यादा वैसे पीक पे गैप तो खुल ही चुका है सब कुछ तो बट फिर भी अब हर इंडियन की तरह मैं वही कर रहा हूँ जो हम इंडियंस यूजुअली बहुत अच्छे हैं जुगाड़ में तो मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोना गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम विदाउट एनी रिपोर्ट और जुगाड़ लगा के विच इज़ अ सैड थिंग बट एट द सेम टाइम दिस सिस्टम इज अ सैड थिंग। अब देखें मतलब प्लेन में अगर रिपोर्ट नहीं मांग रहे यहाँ पे मांग रहे इसका पॉइंट क्या है कांट सी द पॉइंट। Hello, sir. Hello. Hi. I thought I would spook you with the mask. Really, you would? No, you can't spook me, right? Hi. Hello. Say hi to 1 lakh people soon, please. Hello, 1 lakh fake people. Anyway. Yo. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah.